अरुणाचल प्रदेश के प्रकृत नियंत्रण रेखा बोफोर्स कमान मोतायेन करलो भारत। 1962 साले भारत जे अंश कब्जा कर फेले चीन सेखाने एबार अत्याधुनिक अस्त्रगुलो मोतायेन करा हुए। प्रश्न उठे प्रकृत नियंत्रण रेखा की आबारो अशांत हो उठे ना हले केन सेखाने एधरनेर आग्नेयास्त्र मोतायेनेर प्रयोजन हलो। कारण दिन कयेक आगे प्रकृत नियंत्रण रेखा पेरिये ढुके चीन सेना दुदेशेर सेना टहलो हय प्रकृत नियंत्रण रेखा से कारण बोफोर्स मोतायेन करे सीमांते निरापत्ता व्यवस्था आरो शक्तपोक्त करते चाहिए दिल्ली मने करछे कूटनैतिक महल। एई नतून मारणास्त्र आरो बेशी आधुनिक जानालेन अरुणाचले कर्तव्यरत सेनाकर्मीरा। पुरानी गन की कमियों को दूर करने के लिए इसमें अत्याधुनिक कंपोनेंट्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये लो लेवल एयर थ्रेट जैसे अनमैंड एरियल व्हीकल, अनमैंड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स को का सामना कर सके। टारगेट एक्विजिशन और ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें डेलाइट टेलीविजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया है। इसे मजल वेलोसिटी रडार से भी लैस किया गया है इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ऑनबोर्ड बैटरी बैंक और रिजर्व बैटरी बैंक के द्वारा ये लंबे समय तक काम कर सकती है, संचारित रह सकती है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से तकरीबन 100 मीटर दूर वो जो नीली छत का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो चीनी सेना की पहली पोस्ट है। वहाँ भी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती है और उसके आगे जो एक गेट नज़र आ रहा है जिसके ऊपर तिरंगा बना हुआ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। 1962 के बाद से यही वो लाइन है जो भारत और चीन की सीमा निर्धारित करती है। पिछले साल 2020 में 5 मई को चीन ने दोबारा इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक तरफा बदलना शुरू किया, यानी अब वो उस लाइन को भी नहीं मान रहा है जो 1962 में उसने मानी थी और वो लाइन थी जिसमें बहुत सारी भारतीय जमीन चीन के हिस्से में चली गई थी, चीन के कब्जे में चली गई थी। लेकिन भारत को उस वक्त ये अपमानजनक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्वीकार करनी पड़ी और आज चीन उसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं मान रहा है। चार केंद्रीय उपनिर्वाचन और उपनिर्वाचने आरो केंद्रीय बाहिनी मोतायेनेर सिद्धांत कमिशने आरो 12 कम्पानी बाहिनी मोतायेनेर सिद्धांत सब मिलिए दाड़ालो 92 कम्पानी। आमादेर प्रतिनिधि पियाली मित्र रयेछेन आमादेर संगे। पियाली দেখো তুমি জানো এর আগে ভবানীপুর সহ যে কটা কেন্দ্রে নির্বাচন হলো সম্প্রতি সেই সময়ও কিন্তু বিপুল পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরা টপেই নির্বাচন হয়। এবারও নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে 4টি বিধানসভা কেন্দ্রীয় উপনির্বাচন রয়েছে 30 অক্টোবর শান্তি দিনহাটা তার সাথে শান্তিপুর খড়দা এবং গোসাবা সেই সব জায়গায় নির্বাচনে কিন্তু প্রায় সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত 92 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগেই 80 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, আজকে আরো অতিরিক্ত 12 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এবং তোমাকে জানিয়ে রাখবো এর মধ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে দিনহাটাতে, সেখানে 27 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে, শান্তিপুরে 22 কোম্পানি, অন্যদিকে খড়দাতে 20 কোম্পানি ও গোসাবাতে 23 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। এবং নির্বাচন কমিশন সূত্রে যেটা খবর যে এই 4টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও কিন্তু সমস্ত বুথে 100% বুথে কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি থাকবে এবং সেই নজরদারিতেই কিন্তু নির্বাচন করা হবে যাতে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়। অনেক ধন্যবাদ পিয়ালি, আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি পিয়ালি মিত্র ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আপনাদেরকে আরো একবার জানিয়ে রাখি উপনির্বাচনে আরো অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, উপনির্বাচনে 4 কেন্দ্রে যে উপনির্বাচন সেই 4 কেন্দ্রে উপনির্বাচনে আরো কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, আরো 12 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, এই নিয়ে মোট 92 কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের।